आप लोग का बीच जो है सिक्स क्लास के गणित का अध्याय नंबर 3 संख्या का खेल का जो है गतिविधि नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। तो एक ग्रुप में जितनी है लड़कियां हैं और बी में लड़का है और आएगा पहले लड़की आएगी। लड़की की तरफ से आइए, एक कार्ड को उठाइए, एक नंबर कार्ड को उठाइए, ठीक है उठाइए, ठीक है। चलिए 16 नंबर की कार्ड उठाया है लड़का, तरफ से लीजिए 16 नंबर कार्ड। और इसका जो है गुणन, इसका जो है 16 का गुणनखंड आप निकालिए, उसमें से टेबल पर जो कार्ड रखा हुआ है उसमें से निकालना है। इसको लीजिए या इसको हाथ में रखिए। सोलह का गुणनखंड जो है उठाया है, कौन कौन नंबर आप उठाए हैं बोलिए। 1, 2, 4, 8, 16। चलिए ठीक है, आप लेके उसको बैठ जाइए, कॉपी पर वो लिख लीजिए, काम कीजिए अपना। के तरफ से आएगा और एक नंबर कार्ड उठाएगा, ठीक है। कितना नंबर उठाए आप? 6। चलिए लड़की वाला को दीजिए, लड़की ग्रुप को दीजिए। चलिए आपका कितना नंबर कार्ड मिला है? 6 का जो है गुणनखंड आप निकालिए, उसमें से छाटिए, छाटिए गुणनखंड आप। काजल कुमारी, कई नंबर का आपको कार्ड दिया था? 6। उसका गुणनखंड निकाल लिए आप? 3। कौन कौन उन सर को लिखाइए? 3, 6, 6। अब जो है दूसरा राउंड होगा, पहला राउंड में आप पीछे हैं, अब आइए एक कार्ड उठाइए, फिर दूसरा राउंड में कार्ड उठाइए। दूसरा राउंड में जो है 9 नंबर मिला था और 9 नंबर का गुणनखंड आप कब निकालिए? 9 के सारा गुणनखंड बढ़ गया है, ठीक है। आप उतने पर लेके बैठिए, संतोष करिए। दूसरा राउंड में लड़का के तरफ से आइए, दूसरा राउंड 12। चलिए जी 12 नंबर कार्ड आप लीजिए, जाइए आप लोग। चलिए 12 का उसको दो हाथ में दो 12 का आप जो है गुणनखंड निकालिए। बैठ जाएगा लड़का, बैठ जाएगा सर। 12 का गुणनखंड है ये ना, सब बट गया। तो आप उसी को लेके बैठ जाइए और जोड़िए, अपना अंक को जोड़ते रहिए, दूसरा राउंड में जोड़ लीजिए। अब तीसरा राउंड शुरू होगा, तीसरा राउंड है, जल्दी देरी नहीं। तो कई उठे हैं? कौन कितना नंबर? 5। चलिए जी 10 का एक उठाइए जल्दी। जो नंबर बच गया है उसी में से ना उठाना है जी। चलो जो है उठाओ। पर भाई ले जिए, ए जाओ लड़का तरफ, जाओ ये उठाओ जी, लड़का तरफ उठाओ जाके। इसका गुणनखंड उठाइए, 33 का। चलिए अब लड़की की तरफ से आइए जल्दी। उठाइए, कितना नंबर उठाए? 44। चलिए भाई 44 नंबर कार्ड ले जाइए आप लोग। चलो जल्दी से चलो उठाइए, कितना नंबर उठाए? 29 ले जाइए, 29 आप लोग। दोनों टीम लीडर आ गए हैं, जो अभी गतिविधि हुआ, जो गुणनखंड का खेल हुआ 50 अंक का 1 से 50 में,
तो बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट हो गया। आपको 13वां राउंड में जो है लड़का आगे था, लेकिन 14वां राउंड में का एक पासा पलट गया। 14वां राउंड में लड़की जो है अधिक अंक ले लिया, टोटल अंक जो है लड़की ग्रुप को आया है 608 और लड़का ग्रुप को आया है 581 नंबर। इस तरह से आपको आज की विजेता के रूप में बालिका वर्ग को घोषित किया जाता है। जोरदार ताली बजाइए। आज जो है बालिका वर्ग जो है जीत गई है। शांति। अगले बार से आप लोग ध्यान दीजिएगा और देखिए इस खेल से बहुत फायदा है। आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, अपने घर पे भाई बहन है तो आप घर पे भी खेला को खेल सकते हैं। कार्ड बना दीजिए, जितना संख्या तक बनाना है उसमें गुणन खंड का, तो आप लोग का इस खेल से क्या फायदा है कि संख्या के बारे में समझ हुआ, भाग के बारे में है ना, गुणन खंड के बारे में, साथ साथ आपको समूह में काम करने से कितना आनंद आया। दूसरी नंबर है कि आपका इसमें जब खेल को खेलिएगा तो आपका ब्रेन भी बहुत तेज होगा, है ना। तुरंत आपको ब्रेन कैसे कर रहा था कि हमको कौन सा अंग निकालना है ना, तुरंत गोल घंटा तेजी से कर रहे थे ना। इसलिए इस खेल आप लोग अपने घर पे भी करना है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ विद्यालय